वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब यहां पर पूरी तरह से फंसने वाले हैं सिद्धार्थ प्राची एक बार फिर से बनाए गए सबसे बड़े जाल में, जो कि यहां पर मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे पल्लवी को। और उसके साथ साथ यहां पर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से का शिकार होना पड़ेगा रणवीर के, वो भी प्राची को, जिसके बाद में अब ये शादी को आगे बढ़ाया जाएगा और 2 दिन का टाइम दिया जाएगा यहां पर अब पूरी तरह से, वो भी रिया और प्राची को एक दूसरे की तरफ से, कि आखिर में 2 दिन के अंदर यहां पर वो शादी करवा के रहेगी और वहीं पर दूसरी तरफ प्राची अब यहां पर उसे एक्सपोज करके रहेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर में कौन कामयाब होता है। इसकी सारी बातें बताएंगे कि आखिर में क्या खास होने वाला आने वाले एपिसोड में, लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे को चैलेंज करते हुए रिया और उसके साथ साथ प्राची नजर आते हैं। रिया धमकी देती है प्राची को कि आखिर में वो उसकी शादी करवा के रहेगी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्राची धमकी देती है कि 2 दिन के अंदर वो उसे एक्सपोज करके रहेगी। अब यहाँ पर दोनों का यहाँ पर एक्सपोजिंग वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए आलिया और उसके साथ साथ रिया दोनों जाती हैं, वो भी पल्लवी के पास में, पल्लवी को यहाँ पर मैनिपुलेट करती हैं और उसके साथ साथ रणवीर की बिगड़ती हुई हालत को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराती हैं, वो भी प्राची का, जिसके बाद में पल्लवी यहाँ पर अपने आप फिर से एक बार मैनिपुलेट हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर शादी करवाने का आगे जिम्मा बढ़ा देती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं रणवीर का भी हाथ होता है। लेकिन रणवीर अभी दिल से चाहता नहीं है कि आखिर में यहाँ पर प्राची की शादी हो, जिसको लेकर अब आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तगड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ रणवीर, जैसे जैसे ये शादी बढ़ रही है वैसे वैसे रणवीर यहाँ पर पूरी तरह से जी मचलते हुए उसका नज़र आ रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर में रणवीर ये शादी रोकेगा या फिर नहीं। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।